हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कल की वीडियो के लिए ना मैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो मैंने यूनिट वो बताया था ना कि हम लेटर कौन सा यूज़ करेंगे। अब कैपिटल एल की जगह मेरे मैं बोल गई हूँ उसमें कैपिटल आर। मैं किसी और बच्चे को, प्लस टू के बच्चों को कैपिटल आर से रिलेटेड कुछ पढ़ा रही थी, वो बस फ्लो फ्लो में मेरा दिमाग में रह के कैपिटल आर कैपिटल एल है। चलो एनीवेज, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अपना सेल्फ इंडक्टेंस पे, क्योंकि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्शन है, उसको अपने डिफाइन करना था। इंडक्टेंस को हमने डिटेल में करना है, कितने सारे मेथड यूज़ करेंगे हम उसको, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो हम इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड सो ऑन, सारा करा दिया था ना कल की वीडियो में। उसी से रिलेटेड हम ना अपने दो तीन न्यूमेरिकल करके देखेंगे, सिंपल सिंपल फार्मूलाज यूज़ करेंगे जो हमारे फार्मूलाज बनते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को लेके। ठीक है, सबसे पहले हमारा इसमें देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या, न्यूमेरिकल की मैंने लिखी हुई है जो गिवन है स्टेटमेंट। कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन अ सर्किट हैविंग एन इंडक्टेंस 300 माइक्रो हेनरी इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज़ 500 एम्पियर पर सेकेंड। यानी कि गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो क्या इंड्यूस EMF हमें निकालना है, पहली बात तो ये कि इंड्यूस EMF हमें निकालना है सर्किट का, और हमें गिवन क्या है, इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई यानी कि L की वैल्यू गिवन है। गिवन लिख लेते हैं, पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो गिवन क्या क्या है अपने पास, L गिवन है कितना है 300 माइक्रो हेनरी। अरे इसको मैं अगर हेनरी में लिखूँ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 300 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 हेनरी। ठीक है, अब हम चलेंगे देखेंगे दूसरी चीज़ क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी कि DI डिवाइडेड बाय DT गिवन है, वो कितना गिवन है हमारा 500 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा फैराडे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम कौन सा फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF निकालना है ना यहाँ पे, तो डायरेक्शन का भी कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा हम फार्मूला यूज़ करेंगे। लेट E वुड बी इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका, L DI बाय DT। तो इनकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, L कितना गिवन है हमारा 300 गुना में 10 रेस्ट पर माइनस 6 इंटू आपका DI बाय DT कितना है हमारा 500। कैलकुलेट करेंगे इसको कैसे आएगा, दो जीरो इसकी ही दो जीरो यानी कि दो जीरो हमारी कैंसिल हो गई है, तो आंसर क्या आएगा हमारा E किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 5 दिए 15 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 2। और इसको अगर मैं सीधा करके लिखूँ तो 15 डिवाइडेड बाय 100 कर सकती हूँ ना, 15 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.15 वोल्ट्स आ गया हमारा इंड्यूस्ड EMF। समझ गए हो ना ये कैसे आया। अब इसी तरह से ना एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं लगे हाथों, छोटा सा न्यूमेरिकल था ये तो बिल्कुल ही। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, दूसरा एग्जांपल, सॉरी पेन ख़त्म हो गया, दो सेकंड, चलो सॉरी बच्चों पेन ख़त्म हो गया, तो चलो मैंने स्टेटमेंट भी लिख ली है, टाइम सेव रहा है अपना थोड़ा सा। इसमें क्या है गिवन हमारा, क्या है स्टेटमेंट इसकी एग्जाम्पल की, इस न्यूमेरिकल की, एन एयर कोर्ड सोलिनोइड हैज़ 300 टर्न्स, इट्स लेंथ इज एन की वैल्यू दिया, टर्न्स मीन्स एन, इट्स लेंथ लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस इन हेनरी। सबसे पहले तो ना हम SI यूनिट में ही अपनी हेनरी यूनिट को जब ले रहे हैं ना, हेनरी में निकालना है तो हमें सभी यूनिट्स को क्या रखना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि सेंटीमीटर्स में नहीं, लेंथ को एरिया को हमें किस में लेंगे, मीटर्स में लेंगे। सबसे पहले तो हम जो जो गिवन है ना उसको नोट करेंगे, गिवन क्या है देखिए, एन गिवन है, एन कितना दिया हुआ है अपना 300। ठीक है, L गिवन है कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो इस 25 सेंटीमीटर को मैं किस में चेंज करूँगी, मीटर में चेंज करूँगी। जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं ना, सेंटीमीटर की जगह हम क्या रखेंगे अब 1/100 यानी कि ये वैल्यू हमारी आ जाएगी आपकी 0.25 मीटर। ठीक है, बस समझ गए ना इसको कैसे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हो तो क्या करते हो, सेंटीमीटर को जो है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। वैसे आप इसको HL में जो आपने 10th 9th में करते हैं वही फंडामेंटल है, हम सीधा सीधा मैंने इसको 100 में से डिवाइड करना बता दिया, एक फंडामेंटल होता है इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने का। अब आते हैं हमारा एरिया, अब हमने एरिया को भी सेंटीमीटर में चेंज करना है, एरिया कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इसको मीटर्स में कैसे चेंज करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वेयर यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 4 ये आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेयर, ये आ गया हमारे मीटर्स में एरिया, एरिया की यूनिट ये आ गई अपनी। अब देखिए कोर क्या है, यहाँ पे एयर है, अब एयर की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो भी हमें इस फार्मूले में जरूरत पड़ने वाली जो होती है 1। अब यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारी जो एक्चुअल परमेबिलिटी होती है वो भी इस फार्मूले में हमें यूज़ करनी पड़ेगी, तो एक्चुअल परमेबिलिटी यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू क्या गिवन होती है आपकी
फोर पाई इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन। ठीक है, अब ये सब चीज़ें यूज़ करके अब हमें फाइनली क्या निकालना है, अपना एल की वैल्यू निकालनी है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब निकालो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फार्मूला लिखो अपना। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है आपका एल, एल के लिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, वो फार्मूला आपका यूज़ होगा अभी मैंने पीछे कराया था आपको, एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस वाला, एल बाय ए म्यू नोट म्यू आर। ठीक है, अब हर चीज़ की हमारे पास वैल्यू है, हम वैल्यू रखते जाएंगे। अब इसको मैं सीधा ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, एन स्क्वेयर एल मेरा क्या रहेगा, डिवीज़न में रहेगा, लेकिन मैं ए ये जो हमारा एरिया है इसको ऊपर ले जा सकती हूँ ना, ए इंटू म्यू आठ गुणा में म्यू आर। अब मैं इनकी वैल्यू रखूँगी, एन की वैल्यू मेरी कितनी गिवन है 300 है ना, दो बार लिख दूँगी आपको आसानी रहेगी हमें किस में कैलकुलेशंस में। एरिया मेरा कितना गिवन है मीटर्स में, 3 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फोर, और ये परमेबिलिटी कितनी है, रिलेटिव परमेबिलिटी मेरी 1 है, और हमारी एक्चुअल परमेबिलिटी क्या है मीडियम की, वो है इसकी वैल्यू है हमारी 4 पाई इंटू टेन रेज पावर माइनस सेवन डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू कितनी गिवन है हमारी 0.25। ठीक है, अब इस चीज़ को हम करेंगे कैलकुलेट। सबसे पहले तो इन चार जीरो को उड़ाओ भाई, ये चार इस दो जीरो इससे, दो जीरो इनसे उड़ गया। अब इन सबको कर लो इकट्ठा, 3 3 9 3 27, थोड़ा सा कैलकुलेट तो करेंगे ना अपना आसानी से, 3 3 9 3 27 गुना में एक, 27 से होगा यानी कि 4 पाई गुना में 10 रेज टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 0.25, यहाँ तक आ गया। अब हम 4 पाई को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि हम अगर यहाँ लिखूँ मैं 27 इंटू 4 गुना में 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 0.25। अब मेरा यहाँ पे L क्या आएगा, 27 गुना में 4 गुना में 3.14 को जब मैं गुना करूँगी तो ये मेरा आंसर आएगा 339.14 डिवाइड टू 10 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 0.25। अब इसको मैं डिवाइड करूँगी 0.25 से, तो आंसर आएगा मेरा 0.25 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1356.48 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। ठीक है, अब भाई चार जीरो तो हम यहाँ पे ऐसे उड़ा सकते हैं अपनी, इसको कंपेयर करें अगर हम, ये माइनस 7 है ना, यानी कि इन चार जीरो का तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा मेरा, यानी कि एल कितना आएगा 0.1356 इंटू, अब बची तीन जीरो, तीन जीरो को मैं एज इट इज़ लिखूँगी, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एल की वैल्यू क्या आएगी, हेनरी में निकालना है ना आंसर, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 1356, इसको मैं मिली लिख सकती हूँ ना, मिली हेनरी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस इंडक्टेंस। कौन सी इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। थैंक यू, नेक्स्ट हम करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके करेंगे दो तीन न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में।